हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम देखो मार्क्स बनाना बताएंगे। छोटी बच्ची का ये मार्क्स बनाया है, देखो इसकी हम आपको वीडियो दिखाएंगे। तो देखिए बिल्कुल फिट है ये 5 साल की बच्ची है, इसका मार्क्स बनाया है ये। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये लिया है मैंने 5 इंच चौड़ा और 8.5 इंच लंबाई है कपड़े की। ये डबल कपड़ा है मेरे पास, ये देखो दो टुकड़े हैं, आप अलग कलर के भी ले सकते हो। इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। इसको ऐसे फोल्ड करते हुए अब हम इसकी कटिंग करेंगे, मार्क लगाएंगे इस पर। तो जहाँ से बंद हिस्सा है उधर से 1 इंच रखेंगे, 1 इंच मैंने रख दिया। ये थोड़ा सा लाइट कलर का है कपड़ा और वाइट चौक है, दिखाई नहीं दे रहा। और 1 इंच हम यहाँ से रखेंगे, एक इधर रख दिया मैंने, एक उधर रख दिया, खुली साइड से नहीं बंद साइड से, ये ध्यान रखना। अब इसको ऐसे हल्की हल्की गोलाई देते हुए हम देंगे सेफ, ऐसे ऐसे सेफ दे देंगे इसको। ये देखिए, आपको जूम करके दिखा देती हूँ मैं। अब कर देंगे इसकी कटिंग। और फ्रेंड्स, अगर आपसे ये गोलाई नहीं दी जाती तो आप किसी भी गोल आकार की कोई भी चीज़ लेकर उससे मार्क लगा सकते हो, जैसे प्लेट हुई, कटोरी या किसी डब्बे का ढक्कन, उससे भी आप दे सकते हो इस पे गोलाई। ये देखिए, ये हो गई कटिंग। ये कटिंग तैयार है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये 2-4 टुकड़े हैं, तो ये देखिए यहाँ से जहाँ ये गोलाई है इसको स्टिच करेंगे सबसे पहले। ऐसे ही हम दूसरे वाले को कर देंगे। ये 2-2 टुकड़े हैं, ये मैंने दोनों टुकड़े एक दूसरे से ज्वाइंट कर दिए हैं। अब छोटे छोटे कट लगा देंगे इस सिलाई पे, हम छोटी छोटी कट लगा देंगे। ध्यान रख के टाँका नहीं कट होना चाहिए, बड़े ध्यान से कट लगानी है। अब इसको देखो, ये ऐसे खोलेंगे तो ये ऐसे बनेगा मार्क्स। अब हम इस पे लगाएंगे एक सिलाई, यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे हम, दोनों पार्ट पे ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। इस पे भी ऐसे ही छोटी छोटी कट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, मेरा टाइम नहीं लगता, मेरा दूसरा चैनल है लाडली बिटिया फैशन, जहाँ मैं कपड़े सेल करती हूँ, तो वहाँ भी जाना आप, मैं उसकी वीडियो डालती हूँ। और बुटीक का भी काम है तो काफ़ी बिजी रहती हूँ, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाती। कोशिश करती रहती हूँ बट फिर भी नहीं डाल पाती वीडियो, काफ़ी दिन हो लिए, 3 से 4 दिन हो चुके हैं। अब देखो फ्रेंड्स, इन दोनों को ऐसे ज्वाइंट करते हुए सिलाई लगाएंगे। दोनों का सीधा तरफ अंदर होना चाहिए और उल्टा तरफ बाहर की तरफ। ये देखिए, इस पर लगा देंगे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई। इधर से रखेंगे खुला, दोनों साइड से सिलाई लगाएंगे और इसको ऊपर रखेंगे, ताकि ये हमें सीधा भी करना पड़ेगा। ये हो गई सिलाई कंप्लीट। अब इसको कर देंगे सीधा, ऐसे पकड़ते हुए इसको हम सीधा कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने सीधा कर दिया है। ये देखिए, अब फ्रेंड्स हम इस पर प्रेस करेंगे, अच्छे से इसको प्रेस कर लेंगे ताकि ये हमारा फिनिशिंग के साथ बैठे, फिर हम इस पर बद्दी लगाएंगे। ये देखिए, ये डोरी बना लेंगे,
फ्रेंड्स आप इलास्टिक भी लगा सकते हो, बट मेरे पास इलास्टिक नहीं था इसलिए मैं आपको डोरी लगाना बता रही हूँ। और ये डोरी आप लगाना बच्चे के फेस के अकॉर्डिंग ही आप मार्क्स कटिंग करना, और उसके अकॉर्डिंग ही आप देख लेना ईयर से और मार्क्स तक कितना आता है उतनी ही आपको ये डोरी लगानी है। दोनों डोरियाँ हम कंप्लीट तैयार कर देंगे और फिर हम आपको मार्क्स पे प्रेस करके उसको दिखाते हैं कितनी फिनिशिंग आएगी, फिर लगाएंगे इसकी डोरियाँ। ये डोरियाँ कंप्लीट हो गई है, ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इस पे प्रेस कर ली है, कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, कितना सुंदर मार्क्स बन के रेडी हुआ है। और अब हम ये मैंने अंदर की तरफ भी कपड़ा फोल्ड कर दिया है इसमें, यहाँ अब इसको आपने फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं होगी, प्रेस करो तभी इसको फोल्ड कर देना अंदर। और अब इसमें हम लगाएंगे डोरी, अगर आपके पास इलास्टिक है, मैंने सिलाई कुछ ज़्यादा यहाँ तक लगा दी इसलिए डोरी नहीं डल रही। ये देखिए पूरे मार्क्स पे ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। और मैंने बता दिया है फ्रेंड्स ये डोरी आप बच्चे के ईयर से लेकर मार्क्स तक जितनी आपका साइज आए उतना ही बनाना है, कोई फिक्स नहीं है। ये मैंने जिस लड़की का बनाया है वो मेरी बेटी है, उसका बिल्कुल छोटा सा है मुंह, उसका फेस बिल्कुल छोटा सा है, तो ये छोटा सा ही मार्क्स बना है। आप बच्चे का नाप लेकर भी बना सकते हो, ये देखिए ये बनके बिल्कुल रेडी है। एक बार फिर से इस पे, ये कॉटन का है इसलिए इस पे ये थोड़ी थोड़ी सलवट सी गिर गई, एक बार फिर से प्रेस कर देंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ही मार्क्स तैयार हुआ है। और फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।